पायलट जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उनका भी माननीय सांसद जी ने अभिवादन किया है। और उसी के साथ ये झंडी दिखा करके यहाँ से पहुआ रोड, कैथल और नरवाना के लिए गाड़ी बदल सकते हैं। तो यही है कुरुक्षेत्र जंक्शन और एक लाइन यहाँ से अटारी बॉर्डर की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद होगा अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका हरियाणा के रोहतक जंक्शन पे। तो आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो साने हरियाणा एकता एक्सप्रेस में होने वाली है जो भिवानी से चल के कालका तक जाती है। इस ट्रेन को 3 साल बाद फिर से चलाया जा रहा है तो इसी की आज की जर्नी करेंगे और आज इसका फर्स्ट रन है, उद्घाटन है, इसीलिए ये ट्रेन आज से 10:30 बजे से चलेगी। बाकी कल से सुबह एकदम अपने राइट समय से सुबह 4:30 बजे से भिवानी से निकलेगी और 11 बजे हमको कालका पहुंचाएगी। तो इसी ट्रेन का जर्नी करते हैं और आज इसका इनोग्रेशन रन है तो आज इसका उद्घाटन करेंगे अपने सांसद श्री डॉक्टर अरविंद कुमार जी। तो आइए चलते हैं और समारोह में दिखा देते हैं उनको, उसके बाद करेंगे ट्रेन की जर्नी। धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार करते हैं रेल मंत्रालय का भी जिन्होंने आज ये रुकी हुई गाड़ी हमारी जो एक नया रूप दिया स्वतंत्र परिचालन हमारे पायलट जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उनका भी माननीय सांसद जी ने अभिवादन किया है। और इसी के साथ ये झंडी दिखा करके हमारे मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब, अध्यक्ष अजय बंसल जी, भाई रमेश हरियाणा जी, ये झंडी दिखा करके हमारे मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब प्रेम शर्मा अपने कर के से ये झंडी दिखा करके गाड़ी को विदा कर रहे हैं। और अपनी ट्रेन रोहतक जंक्शन से डिपार्ट करती हुई दोस्तों आप लोग देख सकते हैं माननीय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी ने अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है रोहतक जंक्शन से। तो दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है रोहतक जंक्शन से और माननीय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी ने अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना कर दिया है कालका के लिए। तो स्वागत है दोस्त आपका एक नए उद्घाटन जर्नी में। और दोस्तों आइए अपने ट्रेन का दिखा देते हैं आपको इंटीरियर और देखिए
ये देखिए पूरी की पूरी ट्रेन आपको खाली दिख रही होगी, क्योंकि आज इसका फर्स्ट रन है और आज किसी भी ये पैसेंजर को, किसी भी यात्री को जानकारी नहीं है कि आज ये ट्रेन चलने वाली है, क्योंकि इसका चलने का टाइमिंग कल 8 तारीख से उसका उद्घाटन समय था, लेकिन आज इसको चलाया गया है तो इसीलिए किसी पैसेंजर को नहीं पता है और अपनी ट्रेन पूरी की पूरी खाली है। तो दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और इस रूट पर अपनी पहली जर्नी होने वाली है, तो इसीलिए जर्नी में काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, कान में ईयरफोन लगा के 5-10 मिनट आपके पास जो भी समय हो, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे वर्चुअली रूप से रोहतक से कालका के बीच। और अगर आपको जर्नी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। पानीपत जंक्शन, और दोस्तों समय देख लीजिए 11:54। आपका बैटल भूमि, युद्धों की भूमि पानीपत में, और बात करें पानीपत की नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 83 ट्रेनें यहां से हाल्टिंग करती हैं, 5 ट्रेनें ओरिजिनल होती हैं, 5 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, बाकी अपना पानीपत पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में। और बात करें पानीपत जंक्शन की तो यहां से अपनी दिल्ली कालका मेन लाइन होने के साथ साथ एक लाइन अपनी जींद को जाती है और एक लाइन रोहतक को जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी हुआ। बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का होल्टिंग है, इसके बाद दिखा देते हैं आपको डिपार्चर। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पानीपत जंक्शन से। बाय बाय पानीपत। तो हरियाणा के लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि उनकी मांग के हिसाब से इस ट्रेन को चलाया गया और वहां के लोग काफ़ी खुश भी थे आज इसके उद्घाटन को लेकर। करनाल जंक्शन, स्वागत है आपका करनाल में। और बात करने करनाल की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, KUL इसका स्टेशन कोड हुआ, और 59 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है, ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। बाकी यहाँ पे अपने 2 मिनट का हॉल्ट है, बाकी दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। तो दोस्तों करनाल से अपनी ट्रेन डिपार्ट करते हुए, बाय बाय करनाल। कुरुक्षेत्र जंक्शन, और ट्रेन अपनी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ पे लोगों की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग बोर्ड करने वाले हैं अपने ट्रेन को। और समय देख लीजिए 1:07।
दोस्तों आपका कुरुक्षेत्र जंक्शन पे, और कुरुक्षेत्र तो आप जानते होंगे किस लिए फेमस है। कुरुक्षेत्र फेमस है अपने प्राचीन काल के महाभारत के लड़ाइयों के लिए जो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। और बात करें कुरुक्षेत्र जंक्शन की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 49 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्टिंग करती हैं। 10 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में। और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से दिल्ली चंडीगढ़ मेन लाइन होने के साथ ही साथ यहाँ से एक लाइन नरवाना के लिए जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन पे यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए आप अपना लाइन कटा हुआ है। यहाँ से पहुआ रोड, कैथल और नरवाना के लिए गाड़ी बदल सकते हैं। तो यही है कुरुक्षेत्र जंक्शन, और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्टिंग है। बाकी दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र से अपने ट्रेन का डिपार्चर होते हुए काफी अच्छा साफ सुथरा स्टेशन है अपना कुरुक्षेत्र जंक्शन। बाय बाय हो कुरुक्षेत्र। अम्बाला छावनी, और अम्बाला कैंट का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। और समय देख लीजिए 2:13। तो दोस्तों समय हो रहा है 2:15 और स्वागत है आपका अम्बाला जंक्शन पे। और बात करें अम्बाला जंक्शन की तो UMB इसका स्टेशन कोड हुआ और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। बाकी 217 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं और 20 ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं और 23 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो बात करें अम्बाला जंक्शन की तो एक लाइन यहाँ से बठिंडा की तरफ जाती है और एक लाइन मुरादाबाद की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से अटारी बॉर्डर की तरफ जाती है। इसीलिए जंक्शन पॉइंट होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्टिंग है और इसके बाद दिखा देते हैं इसका डिपार्चर, उसके बाद मिलेंगे आपसे सीधे चंडीगढ़ में। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अम्बाला कैंट से। बाय बाय अम्बाला छावनी। चंडीगढ़ जंक्शन और अपनी ट्रेन आई है चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और समय देख लीजिए 3:07।
और यहाँ से काफ़ी संख्या में अपने लोग ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपको दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में। और बात करें चंडीगढ़ की तो आप जानते ही होंगे चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है। और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीजन में। और बात करें चंडीगढ़ की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 43 ट्रेनें यहाँ पे हाल्टिंग करती हैं। 17 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हाल्टिंग है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं दिल्ली से और जिधर को जाएंगे यानी कालका की तरफ और दूसरी लाइन यहाँ से एक सोहनेवाल की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट हुआ। बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन का देखिए 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद चलते हैं आपको इसका डिपार्चर दिखा देते हैं। बाय बाय चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। कालका और कालका जंक्शन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4। और दोस्तों ट्रेन अपनी आ चुकी है कालका जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो 4 बजने को है और अपनी ट्रेन आ चुकी है कालका स्टेशन पे और यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी इस जर्नी को और मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।